Hello everyone, my name is Kajal Saini and in this video I am going to talk about NCERT new syllabus of class 12th English compulsory. But before start this video, you have to like, share and subscribe the channel and press the bell icon for further videos so you can get all the notification of further videos. Okay. As you know that राजस्थान सरकार ने भी अब 10th और 12th क्लास में NCERT का न्यू सिलेबस लागू कर दिया गया है. तो अब हमें सबसे पहले अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले सिलेबस को जाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये एकदम न्यू है हमारे लिए. तो आज हम इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस के बारे में जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ये है RBSC NCERT न्यू सिलेबस ऑफ इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th. आप हेडिंग अच्छे से देख पा रहे होंगे, RBSC NCERT न्यू सिलेबस ऑफ इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th. ये RBSC का NCERT का न्यू सिलेबस है इंग्लिश कंपलसरी का. किसका? क्लास 12th का. ठीक है, अब हम ये भी देखेंगे कि पिछले सिलेबस में और अब के सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस आया, क्या क्या न्यू आया है और क्या क्या पुराना हटा है. तो सबसे पहले देखेंगे, हमारी इंग्लिश कंपलसरी में दो बुक हुआ करती है एज यूजुअल. फर्स्ट है फ्लेमिंगो एंड सेकंड है विस्टास. ठीक है, फर्स्ट है फ्लेमिंगो एंड सेकंड है विस्टास. पहले हमारी इंग्लिश कंपलसरी में भी दो ही बुक हुआ करती थी. इसको हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं और इसको हम सप्लीमेंट्री बुक बोलते हैं. बट दोनों ही बुक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए. जो फ्लेमिंगो बुक है वो पहले फ्लेमिंगो बुक पहले रेनबो बुक नाम से होती थी पहले के सिलेबस में, बट अब नए सिलेबस में इसका नाम है फ्लेमिंगो. और जो पुरानी बुक का नाम पुराने सिलेबस में था वो था पैनोरामा. विस्टास से पहले पैनोरामा चलती थी, अब है विस्टास. तो जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है वो 25 मार्क्स की है और जो विस्टास है वो 15 मार्क्स की है. तो सबसे पहले हम फ्लेमिंगो के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में विस्टास के बारे में बात करेंगे. अब फ्लेमिंगो के अंदर दो पार्ट है. फ्लेमिंगो के अंदर कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है. पहला है प्रोज और दूसरा है पोइट्री. पहले भी ऐसे हुआ करता था, एक पार्ट तो होता था प्रोज और दूसरा होता था पोइट्री. अब सबसे पहले हम प्रोज के बारे में जानेंगे. प्रोज के अंदर आपके 8 लेसन्स हैं. फर्स्ट है द लास्ट लेसन, सेकंड है द लोस्ट स्प्रिंग एंड थर्ड है डीप वाटर और फोर्थ है द रेड ट्रैप एंड फिफ्थ है इंडिगो, सिक्स है पॉइट्स एंड पैनकेक्स एंड सेवन्थ है द इंटरव्यू और एट्थ है गोइंग प्लेसेस. ये हमारे 8 प्रोज के हैं. प्रोज का पार्ट हमारे एग्जाम 15 मार्क्स का है, 15 नंबर की पूरे लेसन में से, मतलब कि 8 जो पार्ट है उनमें से आपके 15 नंबर का मैटर आएगा द लास्ट लेसन. अब देखते हैं नए क्या जुड़े, मतलब पहले के सिलेबस में भी थे क्या ये. द लास्ट लेसन पहले सिलेबस में भी थे, लोस्ट स्प्रिंग था, डीप वाटर था, द रेड ट्रैप था, इंडिगो था, गोइंग प्लेसेस था. हमारे नया जुड़ा है पॉइंट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू. ये एकदम न्यू एकदम फ्रेश हैं. ये हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, एकदम बहुत ही अच्छा है ये फ्लेमिंगो. ठीक है, अब फ्लेमिंगो तो हो गया, अब आगे है पोइट्री. फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन तो हो गया है, अब आगे है हमारे पोइट्री. प्रोज सेक्शन ना आप दोबारा रिपीट कर देते हैं, 15 मार्क्स का है और ये है पोइट्री. पोइट्री में पोएम्स आती है, लेकिन इस बार पुराने सिलेबस में से एक भी पोएम नहीं ऐड नहीं हुई है. पोइट्री में सबसे पहली पोएम है माय मदर ऑफ 66 एंड सेकंड है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम और थर्ड है कीपिंग क्वाइट, फोर्थ है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड फिफ्थ है अ रोड साइड स्टैंड और सिक्स है अंट जेनिफर्स टाइगर्स. ये पूरी 6 पोएम है वो आपके पुराने सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एकदम न्यू है, न्यू ऐड हुई है आपके पोइट्री पार्ट में. और आपका पोइट्री पार्ट है 10 नंबर का. 10 नंबर का मतलब कि आपके 6 जो पोएम है उनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का मैटर आएगा. तो 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में
फ्लेमिंगो बुक में से आएगा। पहले भी जो पहले का सिलेबस था उसमें भी 25 मार्क्स का ही होता था आपके जो फर्स्ट बुक है उसका वेटेज मार्क्स। अब हम जानेंगे सेकंड बुक है हमारी विस्टाज। विस्टाज है आपके 15 मार्क्स की और इसके अंदर है आपके 8 लेसन। विस्टाज 15 मार्क्स की, इसको हम विस्टाज है, इसको सप्लीमेंट्री बुक भी बोला जाता है विस्टाज। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द थर्ड लेवल फर्स्ट लेसन है इसका, सेकंड है द टाइगर किंग एंड थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फोर्थ है द एनिमी, फिफ्थ है शुड विजार्ड हिट मॉमी एंड सिक्स है ऑन द फेस ऑफ इट एंड सेवन्थ है इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल और एट्थ है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड उसके अंदर दो पार्ट हैं, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको अभी मैं बता दूंगी बुक में, ठीक है। ये विस्टाज का है। अब जो हमारे पहले जो लेसन हुआ करते थे इसमें एक तो था द टाइगर किंग और एक था द जर्नी टू द एंड ऑफ द, बस दो लेसन पुराने हैं, बाकी सारे विस्टाज के न्यू हैं। दिस इज योर फ्लेमिंगो बुक। फ्लेमिंगो बुक आपको मैं फ्लेमिंगो बुक के लेसन बता देती हूँ जो अभी अभी आपको बोर्ड पे लिखवाए गए हैं। ये है प्रोज पार्ट, ये है पोइट्री पार्ट। आई होप यू आर एबल टू सी दिस प्रॉपरली। ये प्रोज पार्ट और ये है पोइट्री पार्ट। वीडियो पॉज करके आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। और आई होप आपने बुक्स जो मार्केट से परचेज कर ली होंगी, ठीक है। विस्टाज को भी मैं आपको एक बार ओपन करके बता देती हूँ। ये है आपके लेसन विस्टाज के, ठीक है। दोनों बुक्स हो गई। अब हम आगे 40 मार्क्स का देखेंगे हमारा बचा हुआ। अब हमारे बाकी के बचे 40 मार्क्स में आता है राइटिंग का पार्ट और रीडिंग का पार्ट। राइटिंग का पार्ट हमारे 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का, और जो रीडिंग का पार्ट है वो है 15 मार्क्स का, ठीक है। अब सबसे पहले हम रीडिंग के पार्ट के बारे में बात करेंगे। रीडिंग का पार्ट है 15 मार्क्स का। इसमें आता है एक तो अनसीन पैसेज और एक आता है नोट मेकिंग पैसेज। जो अनसीन पैसेज है वो 9 नंबर का आएगा और नोट मेकिंग आएगा 6 नंबर का। अनसीन पैसेज 9 नंबर का, जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो भी आप बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर जो भी एग्ज़ाम आप दे चुके हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता था याद है आपको? रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये होता था। वही क्वेश्चन है ये अनसीन पैसेज का। ये है 9 नंबर का। अनसीन पैसेज के अंदर आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नीचे 9 क्वेश्चन लिखे होंगे, मतलब कि 9 प्रश्न होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे, इसलिए यहाँ पे 9 नंबर का ये अनसीन पैसेज हो गया। अब है सेकंड आपका एक और पैसेज आएगा, वो नोट मेकिंग का आएगा, वो आएगा आपके 6 नंबर का। एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें आपको एक तो नोट मेकिंग बनानी है, नोट्स बनाने हैं उस पैसेज के, और दूसरा पॉइंट में आपको उसकी समरी लिखनी है। ये टोटल 6 मार्क्स का हो जाएगा आपके, यानी कि 9 और 6 15 मार्क्स का आपका रीडिंग का पार्ट हो गया। रीडिंग का मतलब कि आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद आंसर देने हैं, तो इसको इसलिए बोल रहा था रीडिंग का पार्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइटिंग के पार्ट की। राइटिंग का पार्ट है 25 मार्क्स का। अब राइटिंग के पार्ट में वो चीज़ें आएंगी जो हमें लिखनी होती है एग्ज़ाम में, हमारे खुद की तरफ से लिखनी होती है। उसमें सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर के हैं। अब देखते हैं इसमें 4 नंबर किस तरीके से आएंगे। शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस है शॉर्ट कंपोजिशन है, एक एडवर्टाइजमेंट है ये भी शॉर्ट कंपोजिशन है, इनविटेशन है और ये पोस्टर है। ये 4 हमारे शॉर्ट कंपोजिशन हैं जिनमें से आपको एग्ज़ाम में अथवा में और में 2 मिलेंगे, इन 4 में से कोई भी 2 मिल जाएंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा और वो होएगा आपके 4 नंबर का होगा आपके शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है। चलो ये तो हो गया राइटिंग के पार्ट में, हमारा एक चीज़ कंप्लीट हो गया शॉर्ट कंपोजिशन। अब बात आती है लॉन्ग कंपोजिशन की। लॉन्ग कंपोजिशन में हमारे लेटर्स हैं, रिपोर्ट है, स्पीच है,
ठीक है। अब लेटर 7 नंबर के हैं, रिपोर्ट भी 7 नंबर की, स्पीच भी 7 नंबर का है, ठीक है। अब लेटर्स हमारे काफ़ी तरह के जो लेटर हैं हमारे सिलेबस में वो हैं, एक तो है लेटर टू एडिटर। टू एडिटर यहाँ के मतलब यहाँ पे इसका मतलब है लेटर टू एडिटर, एडिटर को पत्र लिखना, फॉर्मल लेटर्स, ये ए है, फॉर्मल एल ई का मतलब यहाँ पे लेटर्स है, फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। और थर्ड है बिजनेस लेटर्स, और फोर्थ है जॉब एप्लीकेशन। ये 4 तरीके के हमारे लेटर हैं, वो हैं 7 नंबर के, ठीक है। अब जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी हमारे 7 नंबर की है। रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, किसी भी फैक्ट, जो चीज़ घटना घटित हो चुकी है उसका जो वर्णन वो करते हैं हम उसको रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट वो हमारे 7 नंबर की आएगी। और एक पार्ट है स्पीच और आर्टिकल, यानी कि स्पीच अथवा में क्या आएगा, एक आर्टिकल आएगा, किसी भी टॉपिक पर आपको स्पीच लिखनी होगी या फिर आर्टिकल लिखना होगा, वो आएगा 7 नंबर का। ये हमारे पूरा राइटिंग का पार्ट हो गया। अब टोटल करते हैं, 7 + 7 + 4 = 25, 9 + 6 = 15, 15 + 25 = 40, ठीक है। 40 नंबर का हो गया हमारे, पहले 40 जो आपको बुक्स के बारे में बताया था वो 40, और ये 40 प्लस 80, अब हमारे पूरा 80 नंबर का हो गया है, ठीक है। अब आप इनके अंदर भी क्वेश्चन किस तरीके से, कितनी वर्ड लिमिट होती है, जो आपको बुक बताई थी मैंने उनमें कितनी वर्ड लिमिट का, कितना कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ये आपको जैसे जैसे लेसन पढ़ाए जाएंगे उसमें बता दिया जाएगा। क्योंकि आप हम सबसे पहले पढ़ने से पहले वेटेज जानना इम्पोर्टेंट होता है, वेटेज से हम आगे की स्टडी अच्छे से कर पाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बस आज के लिए आपको सिलेबस समझाना था, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।